दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह अपनी YouTube वीडियो पे एक अच्छा और बड़ा थंबनेल लगा सकते हैं जिसकी मदद से हमारी YouTube वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी और मतलब ज़्यादा लोगों को पता चलेगा और आपके व्यूज़ ज़्यादा होंगे और अर्निंग भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो थंबनेल बहुत ही ज़रूरी होता है YouTube की वीडियो के लिए, तो इसलिए मैं आपको आज बताऊँगा कि आप अपनी YouTube वीडियोज़ पर थंबनेल कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल टॉप फॉर यू और मेरा चैनल बिलाल चौधरी प्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और आगे दिए गए बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी कई वीडियो आपको बता चुका हूँ कि मैंने एक नया चैनल बनाया है बिलाल चौधरी प्रो के नाम से, तो आप काइंडली उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो थंबनेल के बारे में है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ आपने जाकर लिखना है YouTube स्टूडियो। आप जब लिखेंगे तो ये सबसे ऊपर ये आप देख लें, इसका इंटरफेस आपके सामने है, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसे आपने ओपन कर लेना है। चलें अब ये ओपन हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से, चलें ये ओपन हो गया। तो दोस्तों अब ये हमारे सामने मेरा चैनल बिलाल चौधरी प्रो ओपन है, तो इसमें दोस्तों और भी बहुत ज़्यादा फंक्शन है, मतलब काफ़ी कुछ है इसमें और आप ये देख सकते हैं, ऑडियंस वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन से कंट्री से कितनी आई है, यूनाइटेड किंगडम और वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ मतलब आपको इसमें मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ भी है कि मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप देख रहे हैं कि इसमें मतलब ये मैंने अभी 5 ही वीडियो अपलोड की है बिलाल चौधरी प्रो पे, तो ये आप देख सकते हैं वीडियो मेरे चैनल बिलाल चौधरी प्रो, आप जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है थंबनेल कैसे लगाना है, तो आपने भी अपनी एक वीडियो ओपन करनी है जिस पे हमने चले इस पे थंबनेल लगाना है, तो हमने ये वीडियो ओपन की, यहाँ ऊपर आपको एक पेंसिल का आइकन नज़र आ रहा है, ये आपको देख सकते हैं, इस पेंसिल के आइकन पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों ये आपने एडिट थंबनेल पर करना है। चलें थंबनेल के अलावा भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ नीचे आते हैं, आपने कोई भी टैग लगाने हैं, ये होती है डिस्क्रिप्शन और अब हम यहाँ से थंबनेल यहाँ पर लगता है, तो चलें आप एडिट थंबनेल पे करें और यहाँ से आपने चेंज पे करना है। जी हाँ दोस्तों, चेंज पे करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से कोई भी जो भी आप वीडियो लगाना चाहते हैं वो आप इजीली लगा सकते हैं। तो चलें हम इसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये, चलें ये तो थोड़ा नहीं नज़र नहीं सही आ रहा, चलें ये हमने थंबनेल लगाना है, तो हम इसे दोस्तों इस तरह इतनी मतलब आपने थंबनेल इसमें लगा लेना है और यहाँ से आपने इसे सेलेक्ट कर देना है, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसे सेव कर देना है। तो चलिए दोस्त देखें अब ये हमारा यहाँ पर सेव हो गया और हमारा ऐसा थंबनेल लग गया। तो दोस्तों ये थंबनेल आपने लगा लेना है या आप मतलब जो भी आप बेहतर समझते हैं आप वो थंबनेल लगा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। दोस्तों इसके लिए आपका यूट्यूब का चैनल वेरीफाई होना ज़रूरी है और 1 सेकंड लगता है, आपने अगर नया चैनल बनाया है 0 व्यूज़ 0 सब्सक्राइबर है तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है छोटी सी 1 मिनट की मेरी वीडियो, आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यूट्यूब का चैनल वेरीफाई होता है, सिर्फ 1 मिनट लगता है वेरीफाई करने में, जल्दी से आपका चैनल वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आप पैसे भी कमाएंगे और पैसे कमाने के लिए भी ज़रूरी है कि आपका चैनल पहले वेरीफाई होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल वेरीफाई करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।